सो हे गाइस व्हाट्सअप, मेरा विवेक और आप देख रहे हो वेक माई चैनल। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इसमें आज मैं आपको बताऊंगा किसी एक रिटन हैंड वर्ड पे, जैसे मैंने यहाँ पे विवेक लिखा, इसको जैसे मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास काफ़ी सारे हिंट्स डाउन में आ जाए। ठीक है, तो ये कैसे होगा पॉसिबल, तो वीडियो पूरी एंड तक देखना, इन्फॉर्मेटिव है और काफ़ी सारी आपको इन्फॉर्मेशन ग्रैब करनी है इसकी वीडियो के थ्रू। और कल की वीडियो में मैंने बताया था कि भी कैसे आप एक बटन पे क्लिक करें और दूसरी एक्टिविटी में पहुंच जाएं। ठीक है, तो उसको जानने के लिए आपको करना क्या है, अभी चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लीनियर लेआउट लिखेंगे यहाँ पे हम, क्या हो गया लीनियर लेआउट, एंड देन हाइट, हाइट मस्ट बी मैच पेरेंट ऑलवेज, एंड देन विथ, विथ मस्ट बी ऑलवेज मैच पेरेंट, एंड देन टेक ओरिएंटेशन वर्टिकल। सो ओरिएंटेशन लेने के बाद हमें लीनियर लेआउट के अंदर एक स्पिनर लेट करना है। स्पिनर हमेशा ट्रांसपेरेंट रहेगा जब तक उस पर हम कोई वीडियो वर्ड्स नहीं डालेंगे। तो वर्ड्स डालने के लिए हमें मेन डॉट एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी और जावा पे जाना पड़ेगा। तो अभी हम हाइट को लेट करते हैं रैप कॉन्टेंट। अब हम इसको मार्जिन ले लेते हैं टॉप से, जो कि होगा 20 dp का, नॉट टू मच, ओनली 20 dp। देखिए थोड़ा सा नीचे आ गया। हम इसको आईडी दे देते हैं SP1, क्योंकि हमारा स्पिनर वन है अभी। आईडी आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। अब हम इसको कॉपी करते हैं और दूसरा स्पिनर क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट स्पिनर में हम वर्ड्स डालेंगे, सेकंड में हम इंटीजर टाइप यानी कि 1, 2, 3 डालेंगे। ठीक है, तो SP2 मानते हैं इसको। चलिए अब एक बटन भी क्रिएट कर लेते हैं, ताकि बटन पे क्लिक करने पे हमारे पास एक टोस्ट आए, यानी कि कोई वर्ड आए कि हमने कौन कौन से वर्ड चूज़ किए। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे मैच पेरेंट और रैप कंटेंट लेके चलेंगे इसे, हाइट को, और बटन को हम ना बटन का मार्जिन लेते हैं टॉप से 29 dp। ठीक है, अब हम इसको आईडी दे देते हैं, आईडी देते हैं इसको हम BTN, एंड देन क्लोज। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सबमिट, और इसको टेक्स्ट दे देते हैं थोड़ा सा, सबमिट सबमिट। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा, लेकिन यहाँ पे तो कैपिटल दिख रहा है, सबमिट लिखो पड़े हुए दिख रहा है सब कुछ। तो इसको हटाने के लिए आपको यहाँ पे ऑल कैप्स फॉल्स करना पड़ेगा, ऑल कैप्स फॉल्स। सो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसा हमने वहाँ पे लिखा वैसा यहाँ पे हमें दिख रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट जावा पे आते हैं, और क्लास में हम पहले डिफाइन करते हैं हमने क्या क्या यूज़ किया। हमने सबसे पहले यूज़ किया स्पिनर, तो स्पिनर यहाँ पे लिखेंगे SP1, SP2। अब हम यहाँ पे इसको सेमी कोलन लगा के ख़त्म करते हैं इस लाइन को। अब हम नेक्स्ट लाइन में आएंगे। अब हमने एक बटन भी यूज़ किया है जिसकी आईडी थी BTN। सो बटन BTN, ऑल राइट। अब हमें इसकी मेथड क्रिएट करना पड़ेगा। मेथड के लिए सबसे पहले इनिशियलाइज करना है, SP1 इज इक्वल टू फाइंड BYID करके इसको इनिशियलाइज कर देंगे, r.id.sp1, एंड देन सिमिलर फॉर SP2 एज वेल। अब SP2 के लिए क्या करना है, फाइंड BYID सेम, एंड r.id.sp2। वन सेकेंड, तो अब हमें यहाँ पे इनिशियलाइज करने के बाद इसे सेमी कोलन लगा के खत्म करना है। अब बटन भी यूज़ किया हमने, तो बटन के लिए फाइंड BYID इसके लिए भी हमें सेम करना है काम। सो r.id.btn एंड देन सेमी कोलन। अब हमें क्या करना है कि भाई देखिए, आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब भी आप स्पिनर का यूज़ करें या फिर लिस्ट व्यू का यूज़ करें, उसको दिखाने के लिए आपको एक स्ट्रिंग लगानी पड़ती है और उसे एरे अडैप्टर के थ्रू इनिशियलाइज करना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रिंग लगाएंगे। सो स्ट्रिंग क्या होगी, कौन से टाइप की होगी, वो होगी हमारी एरे टाइप की। सो इसको हम ARR लेट करते हैं, और यहाँ पर हम अपने कंट्रीज़ का नाम लिख देते हैं। ठीक है, सो कंट्री का नाम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं चलो रांची, कंट्री नहीं, चलो स्टेट्स का नाम लिख देते हैं, रांची
सिटी सिटी कौन सी हमारी, लुधियाना, ठीक है, और भी बड़ा कुछ अमृतसर लिख देते हैं, और हमारा आ जाता है बेंगलोर। चलिए अब हम इसे सेमी कोलन लगा के ख़त्म करते हैं, सारी फेवरेट सिटीज़ हैं मेरी करके लिखी मैंने। चलो अब हम आगे आते हैं। अब हमें करना क्या है, देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला, जब भी आप स्पिनर का यूज़ करें तो आपको यहाँ पे हमेशा एरे अडैप्टर का यूज़ करना होता है। तो एरे अडैप्टर का यूज़ किया, इसको हम एरे अडैप्टर 1 लेके चलेंगे, इज इक्वल टू न्यू अडैप्टर, एरे अडैप्टर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारी इस एक्टिविटी में हमने काम करवाना है ना, तो इस एक्टिविटी का नाम मेन एक्टिविटी डॉट दिस। अब हमें कोमा लगा के, अब आपको जो मैं चीज़ लिखूंगा ये हमेशा आपको याद रखनी कि हमेशा इसकी जगह यही चीज़ आएगी, एंड्रॉयड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल लिस्ट 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी लिस्ट में कोई एरर नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गई। अब हमें कौन क्या क्या शो करवाना है अपनी लिस्ट में, जो कि हमारी SP1 पे होगी, क्या करवाना है हमने, एरे शो करवाना है। तो ARR यहाँ पे हम लिखेंगे और सेमी कोलन लगा के इसको ख़त्म करेंगे। अब यहाँ पे हमें इसकी एक्टिविटी स्टार्ट करवानी पड़ेगी ना, तो किस पे करवानी है, SP1 पे। तो SP1 किसकी आईडी है हमारी, फर्स्ट स्पिनर की। तो फर्स्ट पे हम चलो शहरों पे या फिर शहरों के नाम ले आते हैं, SP1 डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम एरे अडैप्टर 1 एंड देन क्लोज। सो यहाँ पे एरर शो कर रहा है, यहाँ पे हमें कुछ और लिखते हैं, सेट अडेप्टर एरे अडेप्टर 1। चलिए अब दूसरे, चलो फर्स्ट स्पिनर के लिए हमने चलो वैल्यू शो कर दी, बिल्कुल आराम से ये काम हो गया। अब सेकंड के लिए भी सिमिलर वे में एरे अडेप्टर लगाना पड़ेगा। सो अभी बिना बोले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फटाफट से, न्यू एरे अडेप्टर सेम एक्टिविटी मेन एक्टिविटी ऑफ दिस कॉमा, हमेशा यही लिखना है, एंड्रॉयड डॉट लेआउट, सॉरी आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल लिस्ट 1 एंड देन कॉमा। सो यहाँ पे अभी हमें दूसरे स्पिनर के लिए अभी स्ट्रिंग्स देने पड़ेंगे, तो दूसरे के लिए हम यहाँ पे इंटीजर टाइप लेके चलते हैं। सो कैपिटल आई स्मॉल एन एंड इंटीजर टाइप एरे इक्वल टू, इसको हम लेके चलते हैं LS LSSS एंड देन 1, 2, 3, 4। सो हमने यहाँ पे इंटीजर क्यों लिया, क्योंकि हमने नंबर्स का यूज़ करना था इंटीजर टाइप, तो इसलिए हमने इसे इंटीजर की लिया लिया ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम SP2 लेके चलते हैं, SP2 डॉट सेट अडेप्टर एरे 2। तो यहाँ पे हमें डिफाइन भी करना पड़ेगा सबसे पहले कि हमने क्या यूज़ किया। तो हमने यूज़ किया यहाँ पे LSS एंड देन सेमी कोलन। तो इतना काम हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, अब हमारा काम है कि भाई हमने एप्लीकेशन को रन करना है और देखना है कि क्या आउटपुट आता है। पर हमने अभी बटन का काम नहीं किया, बटन के काम के लिए अभी हम पहले रन करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा हमारी एप्लीकेशन में। तो ये हमारा फ़ोन ओपन हो गया, ग्रेडल भी स्टार्ट हो चुका है। जीरो एरर्स, इंस्टॉल इज अंडर प्रोसेस। देखिए हमारी एप्लीकेशन जो है वो रन हो चुकी है, और यहाँ पे देखिए रांची, रांची पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शंस आ गई, लाइक मैंने बेंगलोर सेलेक्ट किया। अब सेकंड वाला स्पिनर पे अगर मैंने 1 क्लिक किया तो यहाँ पे 4 हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो एक हमारे पास पॉपअप आएगी क्या चीज़ सेलेक्ट हुई है, जैसे हम सबमिट पे क्लिक करें तो हमारे पास एक पॉपअप आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँ तो एक पॉपअप आना चाहिए। वो चीज़ लाने के लिए हमें करना क्या है, बटन पे एक्टिविटी क्रिएट करनी पड़ेगी ऑन क्लिक लिसनर की। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे BTN डॉट ऑन सेट ऑन क्लिक लिसनर
सो इसको दिस एक्टिविटी मान के चलेंगे, ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे, मेक मेन एक्टिविटी डॉट इम्प्लीमेंट, ओके। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी एक्टिविटी क्रिएट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे टोस्ट देना है। सो टोस्ट क्या हुआ, उससे पहले हमें यहाँ पे एक बताना भी पड़ेगा कि हमने यूज़ करना क्या है। हमने सबसे पहले SP1 को शो करवाना है, डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रीम एंड देन सेमी कोलन, इसको हम बता देते हैं इक्वल टू करके, इसको एक नाम दे देते हैं। SP1 हमारा करेक्टर टाइप है, यहाँ पे इसको हम नाम देते हैं स्ट्रिंग करेक्टर, स्ट्रिंग CHA, ओके। इसको हम CHA लेट करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे टोस्ट करवाना है, क्या टोस्ट करवाना चाहते हैं हम टोस्ट करवाना चाहते हैं CHA। चलिए अब रन करके करवा के देखते हैं कि क्या होता है एप्लीकेशन में हमारी। सो इसको हम रन करवाते हैं एक बार, पुराने वाले एप्लीकेशन को टर्मिनेट करते हैं, शुरुआत से इंस्टॉल करवाते हैं। देखिए यहाँ पे हम जैसे रांची पे क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ पे लुधियाना पे क्लिक किया मैंने और मैंने सबमिट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं पॉपअप लुधियाना। तो देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो लुधियाना पॉप अप आ रहा है, लेकिन वन नहीं आ रहा है। तो वन के लिए क्या करना है वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले अभी हमें यहाँ पे करना क्या होगा, वन के लिए भी सेम सिमिलर प्रोसेस है, क्योंकि वो भी स्ट्रिंग टाइप ही आ रहा है एक तरह का स्ट्रिंग। इसको हम लेट करते हैं एन न्यू, ठीक है, इज इक्वल टू SP2 डॉट सॉरी गेट सेलेक्टेड सेलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रीम एंड देन क्लोज। अब हम यहाँ पे टोस्ट लगाएंगे, टोस्ट में हम क्या बताना चाहते हैं एंड न्यू बताना चाहते हैं। तो इसको अगर हम और बेटर दिखाना चाहें तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम करेंगे नंबर इज दिस, ठीक है। सो अब यहाँ पे करेक्टर को भी अगर हम अच्छी तरह दिखाना चाहें, सो यहाँ पे डबल करेक्टर इज कैर इज ऐसे इसको लेट कर लेते हैं। अब चलिए हमारा काम हो गया यहाँ पे ख़त्म। अब जैसे कि देखिए अब मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है, एक और चीज़ बतानी मैंने आपको। इसको मैंने रन किया, टर्मिनेट करेंगे सबसे पहले, शुरुआत से रन करवाएंगे। देखिए जैसे मैं अब इस पर क्लिक किया अमृतसर और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया 3। अब मैं इसको क्लिक करूँगा कैर इज अमृतसर एंड नम इज 3। अब मैं चाहता हूँ ये ज़्यादा टाइम के लिए स्क्रीन पर टिके रहे, तो यहाँ पे लेंथ तो शॉर्ट की जगह लेंथ डॉट लॉन्ग लिखेंगे, ठीक है, बस इतना सा चेंज करना है। अब इसे रन करते हैं फिर से, टर्मिनेट करेंगे एक बार। यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, अमृतसर सेलेक्ट किया और यहाँ पे 3 सेलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए कैर इज अमृतसर ज़्यादा टाइम के लिए, यहाँ पे कैर इज अमृतसर और नंबर 3 भी थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए स्क्रीन पे टिका रहा। अब अगर आप को ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करना, ऐसी काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली हैं, अब अप टू डेट करता रहूँगा मैं आपको। अब तक के लिए इतना ही, हैव नाइस डे, गुड डे।